और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में, एक ऐसे इंफ्रा स्टॉक के बारे में जिसमें आज स्टॉक में 7% की तेज़ी हमें देखने को मिलती है, और वहीं हमारा जो इंडेक्स था ऑलमोस्ट उसमें 1% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है इंटरडे में, तब भी ये स्टॉक आज आपका 7% ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जानने का प्रयास करते कि स्टॉक आज इतना ऊपर क्यों था, और जानने का प्रयास करते कि नेक्स्ट आपका इसमें क्या मूव होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी हमने आपको 28 और 29 रुपीस के आसपास सजेस्ट किया था कि स्टॉक को नज़रों में रख सकते हो। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है, और वही हो रहा है। शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा गेन हमें स्टॉक पर देखने को मिल चुका है। जानने का प्रयास करते फुल स्टोरी क्या है। तो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देख लेना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो स्टॉक कोई और ना होते हुए आपका जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर है। मात्र 34 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और लास्ट जब मैंने आपको अपडेट दिया था स्टॉक के बारे में, तब स्टॉक का प्राइस कितने रुपये ट्रेड कर रहा था अभी आपको दिखाता हूँ, 29 रुपये और 30 रुपये के आसपास। पहले आप एक बार देखो कि आज स्टॉक में कैसा कामकाज हुआ है। ऑलमोस्ट 32 और 36 रुपये के आसपास का, मतलब 32 के आसपास ओपन हुआ था, 36 रुपये के आसपास का इसने हाई लगाया है, और 34 में इसने क्लोजिंग करी है। आप देखिए, 8 करोड़ प्लस क्वांटिटी इंट्राडे में ट्रेड की गई थी, मोर देन 1.6 करोड़ क्वांटिटी लोग घर लेके गए। 19% के आसपास का हमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है। वहीं बात करता हूँ अभी स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, तो देखो एक बार। तो दोस्तों, ये आपके लिए मैं पुरानी क्लिप चला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सीखने को आपको कुछ मिलेगा, ध्यानपूर्वक सुनना एक बार, ठीक है? सुनो आप। आपको नीचे एक सेकंड। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना, मतलब ये हाईज बना रहा है, टॉप बना रहा है, रेजिस्टेंस बना, हाईज बना रहा है, ठीक है। अगर ये हाईज को आप आपसे मिलाते हो तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ तक स्टॉक जा सकता है दोबारा ट्रैवल करके। देख सकते हो, ये रहा, इसको आपस में मिलाओगे, देखो मिल रही है। तो ये नेक्स्ट जो स्टॉक के टारगेट रहेंगे, ये 31 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर आप स्टॉक यहाँ कहीं बाय करते हो। एक तो ये ट्रेंड बन गई। अब बात करें सपोर्ट एरिया, देख सकते हो दोस्तों, ये सपोर्ट एरिया बन रहा है स्टॉक का लगातार, अगर आप इसको भी इससे मिलाते हो, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा स्टॉक, अभी ये इस चैनल के नीचे आ चुका है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि देख सकते हो ये जो बेस था स्टॉक का, ये सपोर्ट एरिया बन रहा है। अभी ये रहा बॉक्स बनाया था आपके लिए, सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो एक रीजन स्टॉक का ये देने का कि भाई ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले रहा है, और ये सपोर्ट ले रहा काम भी कर रहा है, देख सकते हो। और यहाँ स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7 से 15 दिन बिता लिया है। आप अगर कैलकुलेट करोगे, गिन लो, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट 12 डेज स्टॉक ने एक प्राइस में बिताया। इसका मतलब यहाँ तक कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन जोन आप बोल सकते हो। यहाँ पर स्टॉक्स में कोई बड़ा प्लेयर या कोई बड़ा म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक को बाय कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। तो आप क्या करोगे स्टॉक में, यहाँ कहीं भी आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, ठीक है। आप आज स्टॉक में काफी तेजी मिली, एक अच्छा खासा हरा कैंडल बना है। हमें करना क्या है बॉस, बहुत सिंपल है। आप स्टॉक को यहाँ कहीं भी बाय करके चल सकते हो, यहाँ कहीं मतलब आप स्टॉक को यहाँ कहीं भी बाय करके चल सकते हो। अगर आप स्टॉक को बाय करोगे तो मेरे हिसाब से आप 29 रुपीज़ के ऊपर बाय करो, उससे पहले बाय मत करना। और स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये मात्र कितने रुपये का, 27 रुपये 30 पैसे मात्र 2 रुपये का स्टॉप लॉस। और टारगेट जो रहेंगे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, 31 रुपये के स्टॉक के टारगेट रहेंगे। फर्स्ट टारगेट 31 रुपये है, और जो सेकंड टारगेट निकल के आता है वो कम से कम 33 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारा बाय प्राइस जो बनता है। तो दोस्तों, आपने सुना, जो हमारा सेकंड टारगेट था स्टॉक का वो था ऑलमोस्ट 33 रुपये और 35 रुपये। तो स्टॉक ने हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव करवा दिया है, तो इस बात के लाइक कर देना। और अब बात करते कि स्टॉक में आप करंटली क्या कर सकते हो, लेटेस्ट प्राइस एक्शन स्टॉक में क्या बनना, जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो गूगल में इसका जो लेटेस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगा जीएमआर इंफ्रा का, ठीक है, आप देख सकते हैं 34 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करता हूँ न्यूज़ की, तो देखिए दोस्तों, 35 रुपये के आसपास के टारगेट दिए IIFL ने, ठीक है। तो दोस्तों, डेफिनेटली स्टॉक को आप नज़रों में रखो, नज़रों में मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। मैक्स चार्ट आप देख सकते हो 6 मंथ का, स्टॉक में तेज़ी आ रही है, और स्टॉक को यहीं का ही हमने आपको रिकमेंड किया था 28.9 के आसपास। ऑलमोस्ट स्टॉक ने काफ़ी अच्छा गेन हमें दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टॉक ने हमें ऑलमोस्ट 20% का गेन दिया मात्र कुछ ही दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिनों के अंदर, राइट। तो अब आके बात करते हैं कि स्टॉक का लेटेस्ट प्रोजेक्शन क्या बनना है। दोस्तों देखिए, मैंने 5 साल का चार्ट खोला हुआ है, 5 साल का चार्ट लगातार कह रहा है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। मैक्स चार्ट की बात करते हैं तो ये भी हमें यही कह रहा है, स्टॉक एक लगातार अप ट्रेंड में है। स्टॉक का जो अगला रजिस्ट्रेशन निकल के आता है, देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 32 रुपये के आसपास, और फर्स्ट टाइम इसने इसको रजिस्ट्रेंस लिया है, ठीक है, 32 और 34 रुपये के आसपास है। अगर सेकेंड टाइम इसके ऊपर क्लोज करने में
सक्षम हो जाता है, तो डेफिनेटली स्टॉक में काफ़ी बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक आपको फिर जो नेक्स्ट टारगेट हमारे रहेंगे, कम से कम ये स्टॉक आपको, ये आपको दिख रहा है इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया है, ये आपका निकल के आता है 34, आई थिंक 42 और 45 के टारगेट दिखाएगा फिर आपको, ठीक है। अगर ये 34 रुपये के ऊपर क्लोज कर देता है, कम से कम टाइम बिता लेता है एक दो हफ्ता, तो फिर आपको 42 रुपये से लेके 45 रुपये के टारगेट दिखाएगा GMR इंफ्रा शेयर, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपने स्टॉक में पैसा लगाया तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो, और हो सके तो 50 रुपये के टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हो। लेकिन क्या करना होगा आपको, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कॉस्ट टू कॉस्ट का, ठीक है। तो एक छोटा अपडेट देना था GMR इंफ्रा के बारे में, आशा करता हूँ छोटा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। एंड और एक छोटा अपडेट कर दूँ, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक करने के बाद शेयर कर देना फेसबुक में, उसके बाद मुझे क्या करना, डायरेक्ट मैसेज करना इंस्टाग्राम पर, VR स्टॉक्स के हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है। जो भी मेरी प्राइवेट क्लास होती है वहाँ पर आपको लिंक्स दिए जाते हैं, अगर आपको जानना है कि इस संडे मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ प्राइवेट क्लास में, तो आपको सिर्फ लिंक को शेयर करना है और मैसेज करना है, मैं आपको क्लासेस की लिंक दे दूंगा। बाय।